तो जैसा कि आपको पता है कि आदि पुरुष का टीजर आ चुका है, लेकिन टीजर में जो मूवी का VFX दिखाया गया है वो पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये मूवी आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है। और वहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस मूवी को लगभग 2 सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यार पूरी बात क्या है ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि हमने देखा कि आदि पुरुष के टीजर का जो VFX है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये टीजर जो है किसी कार्टून के जैसा लग रहा है। और भाई ऐसा ही है, सच में ये टीजर एकदम कार्टून के जैसा लग रहा है। और टीजर देखने के बाद प्रभास भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। ऑब्वियस उन्हें भी ये टीजर पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि इस फिल्म का टीजर काफी ज्यादा कमाल का होगा और VFX भी इसका तगड़ा होगा, लेकिन टीजर देखने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, जिस पर वो फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आए। तो यार अब बात कर लेते हैं मूवी के पोस्टपोन होने पर। तो यार मूवी का VFX इतना ज्यादा खराब है कि अगर इसी तरह से मूवी को रिलीज किया गया तो मूवी को कोई भी देखने नहीं जाएगा, और इसी वजह से ऑडियंस भी यही चाहती है कि जितना भी टाइम लगे लेकिन VFX मूवी का अच्छा होना चाहिए। तो अगर वो लोग मूवी को पोस्टपोन करते हैं तो इससे पब्लिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग आदि पुरुष मूवी को एक एपिक मूवी की तरह देख रहे हैं। तो अगर इसका VFX ही अच्छा नहीं होगा तो देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मूवी को पोस्टपोन करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि इसे पोस्टपोन किया जाएगा या फिर नहीं। तो आगे इस मूवी के लिए क्या अपडेट्स आते हैं ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।